हैं हमारे, हमको प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे 2002 में, गुजरात के जो दंगे हुए गोधरा कांड के बाद, उसके परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। मणिपुर में जो हुआ उसमें प्रधानमंत्री ने जो कहा, 78 दिन के बाद 79वें दिन जो कहा, 36 सेकंड का जो वीडियो है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री डरे हुए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ डरे हुए हैं, क्योंकि ये जो चल रहा है देश में उसका अंततः परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को इस तरह की घटनाओं से, मणिपुर जैसी घटनाओं से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, वो संवेदन शून्य व्यक्ति हैं। इन घटनाओं से फर्क पड़ता है जो जिस व्यक्ति में संवेदनाएं बची हों, मानवीय उत्पीड़न के प्रति जिसके मन में सम्मान हो। फरवरी 2002 को अहमदाबाद की गुलबर्ग कॉलोनी में दंगाइयों ने आग लगा दी थी राजीव जी, और उसमें जाकिया जाफरी के पूरे परिवार के और तमाम उस इलाके के करीबन 70 लोग, 69 लोग जिंदा जला दिए गए थे। उसमें जाकिया जाफरी के पति भी थे जो पूर्व सांसद थे। गुजरात के दंगों को अगर आप रिट्रोस्पेक्ट में देखें, इन्होंने जिक्र किया, प्रशांत जी ने एक बड़ा हल्का सा जिक्र किया उन्होंने गाड़ी के नीचे पिल्ले के आने का, वो राइटर के साथ जो उनकी बातचीत का जो हिस्सा है गुजरात के दंगों को लेकर, जी या करण थापर के साथ जो उनकी बातचीत है जिसमें गुजरात का जिक्र आते ही, दंगों का जिक्र आते ही वो माइक उन्होंने निकाल दिया था। इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है राजीव जी, ये आप पाएंगे कि ये और ज्यादा आक्रामक तरीके से अपने लोगों को लगा देंगे। हमको बात उन लोगों की करना चाहिए जो प्रधानमंत्री को बचा रहे हैं। हमको बात स्मृति ईरानी की, शंकर प्रसाद की करना चाहिए, अनुराग ठाकुर की करना चाहिए कि इन लोगों को क्या हो गया है। हमको प्रधानमंत्री की बात नहीं करना चाहिए, ये प्रधानमंत्री के मर्सिनरीज के तौर पर क्यों अपने आप को इस्तेमाल होने दे रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का इतना उज्जवल इतिहास रहा है अटल जी के जमाने में, क्या उसको ये एक सांप्रदायिक लड़ाकों की फौज में तब्दील कर रहे हैं प्रधानमंत्री केवल इसलिए कि सत्ता बचाना है? ये कोई इनके कहने से आप क्या समझते हैं कोई असर हो रहा है? ये अगर छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं या राजस्थान की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने हाथरस में देखा है किस तरह से आधी रात को वो बलात्कार पीड़ित महिला को जलाया गया था, या उन्नाव को जो जानते हैं, या कठुआ को जानते हैं, या आपने उत्तराखंड का जिक्र किया, अंकिता का जिक्र किया, क्या समझते हैं आप? लोग इनकी बातों पर यकीन कर रहे हैं? ये लोग पराजय होती हुई सेनाएं जिस तरह से विध्वंस पर उतर आती हैं,
ये उस तरह का विध्वंस है। ये राजीव जी, ये जो राहुल गांधी पर फैसला आने वाला है, ये उसके पहले चंद्रचूड़ पर हमला चल रहा है। आप बताइए कि आपको याद हो कभी? हमको केवल इतना सा याद है कि जब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने सुपर सेशन के खिलाफ इस्तीफा दिया था, उसका हमको याद है। हमको ये याद है कि कुछ जजों ने सुप्रीम कोर्ट के पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये हमको याद है। हमको ये याद नहीं है कि किसी सत्तारूढ़ दल के लोगों के इशारे पर उनकी पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सोशल मीडिया पर निशाना बनाए। इनको सुप्रीम कोर्ट की अब जरूरत नहीं, न्यायपालिका की जरूरत नहीं है। ये लोग खुद न्याय देना चाहते हैं, ये लोग खुद लोगों को दंडित करना चाहते हैं और दंड देने का अधिकार ये अपने हाथ में रखना चाहता है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर आपको कोई पीड़ा दिखी क्या? उनके माथे पर कोई पसीने की बूंद नजर आई क्या? उनकी आंखें झुकी हुई थी क्या? उनकी आंखों में आपको कुछ दिखा कि वो एक कुछ महिलाओं की पीड़ा की बात कर रहे हैं? नहीं दिखा, किसी देश के किसी नागरिक को नहीं दिखा। आप क्या समझते हैं कि लोगों ने ये अपने प्रधानमंत्री पर यकीन करना बंद कर दिया है? दुनिया के देशों ने तो कर दिया है, काफी पहले कर दिया है, पर देश के लोगों ने, और ये जो सबसे बड़ी घटना है, महिलाएं जो इनकी ताकत हुआ करती थी, राजीव जी, जो प्रधानमंत्री के वोट बैंक की सबसे बड़ी ताकत जो महिलाएं हुआ करती थी, और महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ है मणिपुर में, और ये जो बचा रहे हैं उसको, ये आज भी बचा रहे हैं इन्होंने। आप बताइए कि प्रधानमंत्री ने कहा 36 सेकंड का जो भी कहा उन्होंने, उसके बाद मणिपुर को लेकर क्या कार्रवाई की? सिवा इसके कि वो 4 अपराधी या 3 अपराधी जिनको मान रहे हैं, आपने देखा होगा ना कि कारगिल युद्ध के में जिसमें जिस आर्मी के ऑफिसर ने अपना बलिदान किया, अपना लड़ाई लड़ी जिन्होंने कारगिल में, उनकी पत्नी की कहानी आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर जी। कि वो उनका क्या, उनकी पीड़ा क्या है कि मैं अपनी पत्नी तक को नहीं बचा सका। जिस राज्य में पुलिस, आप ये प्रधानमंत्री से पूछिए कि क्या छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में आपने ऐसा देखा है क्या प्रधानमंत्री जी, स्मृति ईरानी जी, कि किसी राज्य की पुलिस ने महिलाओं को उन गुंडों को सौंप दिया हो, गुंडों के समूह को सौंप दिया हो और भाग गई हो पुलिस उनको बलात्कार के लिए छोड़कर, हवाले करके? आपको मैं अभी सोशल मीडिया पर देख रहा था राजीव जी, पैरामिलिट्री फोर्स के और सेना के मिलाकर कोई 1,00,000 लोग हैं, 32 लाख की पॉपुलेशन है राजीव जी सिर्फ मणिपुर की, 32 लाख। आप कल्पना कीजिए कि 32 लाख की पॉपुलेशन म्यांमार से लगा हुआ एक छोटा सा राज्य, संवेदनशील राज्य, दिन दहाड़े हुई मणिपुर की घटना, दिन दहाड़े, और FIR जो पहली FIR 18 मई को हो गई थी,
प्रधानमंत्री की आंखों तक आंखों की शर्म बनने को घटना को 78 दिन लगे। 32 लाख लोगों के सम्मान की जो रक्षा प्रधानमंत्री नहीं कर सकता हो, देश को पूछना चाहिए कि ये 140 करोड़ लोगों के सम्मान की, ये इस देश की आधी महिलाओं की, लाडली बहनों की, जिनके नाम पर अरबों रुपए बहाए जा रहे हैं विज्ञापनों में, उनके सम्मान की रक्षा के लिए इन पर भरोसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इनका जवाब जो है वो राजनीतिक दल नहीं देंगे, इनका जवाब देश की जनता देगी। और ये जो डर है ये देश की जनता से है। अगर देश की जनता से डर नहीं होता तो प्रधानमंत्री 78 दिन क्या 800 दिन के बाद भी अपना मुंह नहीं खोलता है। ये पार्टी घबरा गई है। ये प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो आपको कॉन्फिडेंस दिख रहा है ये नकली कॉन्फिडेंस है। ये इसमें कोई साहस नहीं है। और जानते हैं प्रधानमंत्री को, बड़े से बड़े संकट में प्रधानमंत्री को कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा। इस देश के आप ढूंढ कर लाइए कोई ऐसा फोटो जिसमें प्रधानमंत्री के आंखों से आंसू बह रहे हों, प्रधानमंत्री शोक संतप्त हों, नहीं है, कोई फोटो नहीं मिलेगा, कोई वीडियो नहीं मिलेगा ऐसा। ये बहुत ही कठोर हृदय, संवेदन शून्य और गुजरात के दंगों की आग से तपकर निकले हुए प्रधानमंत्री हैं। तो इनको इनको बिल्किस बानो नहीं दिखेंगी, इनको ज़ाकिया ज़ाफ़री नहीं दिखेंगी, इनको बेस्ट बेकरी कांड नहीं दिखेगा, इनको बिल्किस बानो का बच्चा नजर नहीं आएगा। इसलिए इसके जवाब मिलना शुरू हो गए हैं। ये जो कर्नाटक में मिला है, पंजाब में मिला है, हिमाचल में मिला है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो मिलेगा, और उसके बाद 2024 में जो इनको जवाब मिलेगा वो जवाब देगी, देश की जनता देगी। जनता को कभी ना कभी तो तय करना पड़ेगा कि वो किसके साथ खड़ी है जी। क्या जिस सांप्रदायिकता को प्रधानमंत्री लोगों के उत्पीड़न का हथियार बना रहे हैं वो कब तक चलेगी? मेरे ख्याल से चलेगा नहीं राजीव जी, ये मतलब लंबा नहीं चलेगा। लोगों ने इसमें देख लिया है कि ये इनके हाथ में नागरिक सुरक्षित नहीं है, ये सत्ता की सुरक्षा में नागरिकों की को असुरक्षा में डाल रहे हैं। इसलिए इस सत्ता के दिन नज़दीक पहुंच रहे हैं, इसकी रवानगी के। जी बिल्कुल, रवानगी के दिन जो हैं नज़दीक पहुंच रहे हैं और सत्ता की रवानगी की बात हो रही है। बात नरेंद्र मोदी जी के सत्ता, उनकी जो सरकार है उसकी बात हो रही है, सत्ता की बात हो रही है, बीजेपी की बात हो रही है।